अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ चना चाट मसाला, तो चलिए बनाते हैं। चना चाट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताती हूँ। यहाँ पर मैं काले चने ली हूँ, मैं भिगो कर इसे धोकर अच्छे से बॉईल कर रख ली हूँ। यहाँ पर देखिए अच्छे से ये बॉईल हो चुके हैं, ऐसे हमें बॉईल करना है। मैं ये पाव किलो लेकर हूँ, आप जितने चाहे आप ले सकते हैं। यहाँ पर पाव किलो मैं बॉईल कर रख ली हूँ। अभी जो जो मसाला इसमें जाता है मैं बताती हूँ। नमक, लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर आलू, उबला हुआ आलू इसे काट कर रख ली हूँ। आलू, प्याज, टमाटर, हरिया धनिया, यहाँ पर चाट मसाला, यहाँ पर आम, कच्चा आम है ये, मैं बारीक काट कर रख ली हूँ। आम को भी डालने से इसमें बहुत अच्छा रहता है। आम, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, यहाँ पर आमचूर पाउडर, नींबू, यहाँ पर मिक्सर, ये बारीक छोटी सी है ये और यहाँ पर कंकड़ी। यहाँ पर ये चाट का एक मसाला तैयार करना है। ये रमजान है, इफ्तारी के बाद इसे खाइए, बहुत बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर मैं मसाले में लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ, देखकर लेना आप, तीखा आपके ऊपर जाता है। मैं हरी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर ही डालकर बता रही हूँ। यहाँ पर एक टीस्पून जितना धनिया पाउडर, लाल मिर्च आधा डाली हूँ, धनिया एक टीस्पून डाली हूँ, जीरा पाउडर आधा टीस्पून, यहाँ पर चाट मसाला ये बाद में डाल लेंगे हम, आमचूर पाउडर यहाँ पर आधा टीस्पून जितना ली हूँ, नमक थोड़ा सा, मैं चने गलाने के वक्त भी नमक डालकर हूँ, थोड़ा सा नमक। अभी क्या करना है, इसमें पानी डालकर हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए ऐसे, पर देखिए मसाला तैयार हो गए। अभी मैं गैस ऑन कर ली हूँ, एक कढ़ाई को भी रख ली हूँ। यहाँ पर देखिए कढ़ाई को रख ली हूँ, गैस भी ऑन कर ली हूँ। इसमें एक टीस्पून जितना तेल लेती हूँ, इसमें थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ी सी जीरा, ये चना चाट अलग सा बता रही हूँ मैं, खाने में इतना मजे का रहता है। इफ्तारी के बाद आप इसे बनाकर खाइए, बहुत हेल्दी भी है, ताकत भी, चने तो बहुत फायदेमंद है। अभी जो मसाला मैं बनाकर रख ली थी इसमें डाल लेती हूँ। देखिए अब मसाले को हमें अच्छा सा पका लेना है, तो एक मिनट तक हमें अच्छे से इसे पका लेना है, क्योंकि ये चाट का मसाला तैयार हो रहा है, इसीलिए अभी एक मिनट हमें मसाले को अच्छे से पका लेना है। ये पकने के बाद क्या है, इसमें चने मिलाना है, चने मिलाकर ही बनाना है। ये चाट मैं अलग सा बता रही हूँ, क्या चने उबालते हैं, सब मसाला उसमें डालते हैं, मिक्स कर देते हैं, मैं ऐसा चाट भी बनाकर डालकर हूँ, लेकिन ये इसे थोड़ा मसाले को पकाना है। पकाने के बाद चने डालकर बनाकर इसे अलग सा, ये अलग सा चना चाट मसाला है, बहुत टेस्टी है। इसमें आम काट कर डालिए, बारीक छोटे छोटे पीस, या कद्दूकस करके डालिए, टेस्ट अलग सा रहता है, खाने में बहुत मजे का रहता है। बाहर लेकर खाने से घर में बनाकर खाइए चाट, रमजान में इफ्तारी के बाद तो बहुत पसंद आता है, सभी को बहुत पसंद आता है, खाने में बहुत अच्छा रहता है। जो मैं बता रही हूँ आप एक बार ट्राई करके देखिए, ये बहुत अच्छा चटपटा रहता है, लड़कियों को तो बहुत अच्छा लगता है चटपटे चीज, बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। एक कवर पेपर बना लिए, ऐसा पूड़ा बना लिए, उसमें दाल ऐसे ही खाइए, या कुछ अलग बर्तन में लिए, या छोटे बॉल में लिए, ऐसा लेकर खाने से भी बहुत अच्छा रहता है। चाय बना लिए, इसे लिए ये भी खाते हैं, चाय भी पी, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बनाकर खाइए। मैं ये रमजान के लिए ही बता रही हूँ, और बहुत हेल्दी है छोटा काला चना, बहुत हेल्दी है, ताकत बहुत है चने में, इसीलिए मैं बता रही हूँ, रमजान में बहुत अच्छा रहता है बनाकर खाए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर से कीजिए। यहाँ पर देखिए इसमें का तो पानी पूरा खत्म हो गया है मसाले का, अभी क्या करना है हमें इसमें चना मिला लेना है। अभी इस चने को हमें मसाले में डाल लेना है ऐसे। मसाले को, चने को हमें अच्छे से मिलाना है। यहाँ पर देखिए चने को अच्छे से मसाला लग चुका है, थोड़ा भी पानी नहीं है बचा है इसमें, अच्छे से मसाला लग चुका है। ये मैं बताऊँ ना अलग सा है, ये ऐसे ही बनता है। अभी क्या करती हूँ, गैस कर लेती हूँ बंद, इसे थोड़ा ठंडा होने देती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए चना ठंडा हो गया है, मसाला देखिए चने को क्यों लगा है, ऐसा लगना है मसाला, इसीलिए पका कर मिलाते हैं चने को।
चने, सादे चने भी मिलाते हैं, ऐसे मिलाने से बहुत टेस्टी लगते हैं। अभी मैं एक बाउल में काट लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ मैं। अब इसे अच्छे से मिला लेना है। ये हो गया। अब इसमें थोड़ी सी प्याज, प्याज, टमाटर, एक टमाटर ली हूँ मैं। टमाटर थोड़ा मोटे मोटे ही काटना है। यहाँ पर देखिए आम मैं बारीक काट लियो। आम डाल सकते हैं या तोतापुरी डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए हरिया धनिया, नमक तो पहले से डाल कर है, नमक देखकर डाल लेना। आपको जरूरत है तो नमक डालना, नहीं वरना नहीं डालना इसमें। अब यहाँ पर आलू, आलू को मैं बॉईल कर ली हूँ, बॉईल करके बारीक सा काट ली हूँ मैं आलू को। अब इसे, इन सभी को अब अच्छे से हमें मिला लेना है। अब इसी में ही क्या करना है, हमें आधा नींबू डाल लेना है, नींबू का रस थोड़ा मिला लेती हूँ। फिर इसे नींबू का रस और थोड़ा डाल लेती हूँ। थोड़ा सा और बचा है नींबू को, मैं डाल ले रही हूँ नींबू का रस इसे अच्छे से। यहाँ पर देखिए चाट तैयार हो गए। अभी मैं निकाल कर बताती हूँ आपको, ये पापड़ी सब कैसे डालकर खाना है बताती हूँ मैं। यहाँ पर प्लेट ली हूँ, प्लेट में निकाल लेना है। इफ्तारी के टाइम निकाल लीजिए, निकाल कर रख लीजिए दस्तरखान पर। यहाँ पर थोड़ी सी कंकड़ी, आप इसमें मिलाकर भी डाल सकते हैं। मैं ऐसे ही ऊपर डाल रही हूँ कंकड़ी को, यानी के कोकम्बर को, आप मिलाकर भी इसमें डाल सकते हैं, डालकर मिलाकर भी। ये हो गया। थोड़ी सी प्याज, यहाँ पर देखिए सेब, जब आप खाते हो मिलाकर जब खाते हो तभी ये दोनों को भी डालना है। पहले डालने से क्या होता है, बहुत चिपचिपे हो जाते हैं, इसीलिए जब आप खाने बैठते हो तब इसे डाल लेकर ऐसे खाना है। मैं थोड़ा डालकर आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पर सेब हो गया, यहाँ पर पापड़ी, पापड़ी ऐसे भी डाल सकते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे भी डालकर खा सकते हैं पापड़ी को। जब आप इसे लेकर आप एक बॉल में या जिसमें आप खाना चाहते हो उसमें डाल करिए, उसके बाद इसे डालकर खाना, वरना ये चिपचिपे हो जाते हैं। ये यहाँ पर देखिए तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए आज चना चाट मसाला बनाई हूँ, वो भी काले चने का। ये बहुत ताकत है, ये खाने से बहुत ताकत। बच्चों को भी बना कर दीजिए, बड़ों को भी, ये सभी खा सकते हैं। ये बहुत पसंद से खाते हैं चना चाट मसाला, बहुत पसंद से। बाहर से मंगा कर खाते हैं, आप घर में बनाकर खाइए। रमजान है, इसे घर में बनाकर आप लोग खाइए, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा खाने की जगह बहुत सारा भी खा सकते हैं। ये पाव किलो में देखिए मैं इतना प्लेट भरकर बनाई हूँ, और भी थोड़ा वहाँ बॉल में और भी थोड़ा है। आप इसे बहुत से कम एक 10-15 लोग खा सकते हैं, उतना बना है। ये बहुत टेस्टी बना है, बहुत अच्छा बना है। मैं अलग सा बनाकर बताई हूँ, मसाला जो मैं बताई हूँ मिलाकर, वो मसाले का बनाकर खाइए, बहुत टेस्टी रहता है, बहुत अच्छा रहता है। इसे जरूर से एक बार ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।